प्रेजेंटेड बाई एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना। नोट, परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने मुंह नाक को मास्क या कपड़े की सहायता से ढककर आना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि COVID-19 के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने जो 12वीं कक्षाओं की परीक्षा स्थगित की थी उनके पेपर की डेट पहले ही घोषित कर दी थी, जो 8 जून से 16 जून के बीच कराने का फैसला लिया गया था। परंतु आज उसका एक टाइम टेबल भी जारी हो गया है कि कब कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होनी है और कितने समय कितने बजे से होनी है, उनके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम देखते हैं परीक्षा समय सारणी 2020 जो COVID-19 के चलते रोक दी गई थी, उसकी नई परीक्षा सारणी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल ने जारी कर दी है। तो हम देखते हैं परीक्षा का दिन है, पहला पेपर है 9 तारीख को मंगलवार है और मंगलवार से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 9 जून मंगलवार को परीक्षा का समय, यहाँ पर परीक्षा का समय सरकार ने दो भागों में विभाजित कर दिया है, सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट में है 2 से 5 बजे तक। तो आप अपने टाइम टेबल के लिए आप अपनी कॉपी पेंसिल रखें, जिससे आपकी जो एग्जाम हो वो आप लिख लें कि कितने बजे और कौन सी पाली में उन्हें बालें। तो मंगलवार को 9 तारीख में जो पेपर होने वाले हैं, सुबह 9 बजे से 9 से 12 बजे वाला जो पेपर है वो हायर मैथमेटिक्स का है, यानी मैथ वाले बच्चों का पेपर है। 9 तारीख को पहला पेपर किसका है? हायर मैथमेटिक्स वाले बच्चों का है, यानी 12th के मैथ वाले बच्चों का पेपर है पहला पेपर, वो भी 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरा पेपर है 2 से 5 है, भूगोल वाले बच्चों का पेपर है, जिनका समय कितना है 2 से 5 है, तारीख 9 तारीख को मंगलवार को। तो ये हो गई। दूसरा दिन की बात करते हैं बुधवार को तारीख कितनी है? 10 तारीख है और 10 तारीख को 9 से 12 बजे वाले पेपर में है, 9 से 12 बजे के समय में है गुड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कॉमर्स वाले बच्चों के एग्जाम है, जो बुक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एग्जाम है। इसके बाद 2 से 5 बजे वाले बैच में बुधवार को 10 तारीख में फसल उत्पादन, यानी जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है फसल उत्पादन, उसका पेपर है बुधवार को 10 तारीख को 2 बजे से 5 तक आपका फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है। बात करते हैं तीसरे दिन की, गुरुवार को तारीख है 11 जून, 9 से 12 बजे तक का जो पेपर है वो बायोलॉजी का पेपर है, 9 से 12 की शिफ्ट में बायोलॉजी का पेपर है और 2 से 5 वाली शिफ्ट में अर्थशास्त्र का एग्जाम है। तो अर्थशास्त्र वाले बच्चे, और इसके बाद अगला है शुक्रवार को जो पेपर होने जा रहे हैं, शुक्रवार को 12 तारीख है और शुक्रवार को सुबह वाली शिफ्ट में 9 से 12 बजे वाली शिफ्ट में व्यवसायिक अर्थशास्त्र का एग्जाम है और 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट में पशुपालन का, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है पशुपालन, उसका पेपर है शुक्रवार को पशुपालन का 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट में, तारीख है 12। अगला पेपर है 5 शनिवार को अगला पेपर है, अगला पेपर 13/6/2020 शनिवार को 9 से 12 बजे वाली शिफ्ट में राजनीतिक शास्त्र का पेपर है और 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट में है शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, ये पेपर है। और कोई दूसरा पेपर है स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, यानी स्टिल लाइफ एंड डिजाइन का भी पेपर उस दिन होगा। अब बात करते हैं रविवार को छुट्टी रहेगी और सोमवार को पेपर जो बचे हुए हैं 15 तारीख सोमवार को 9 से 12 बजे की शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर होगा, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो 9 से 12 को बजे तक किसका होगा केमिस्ट्री का पेपर है और उसके बाद 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट में विज्ञान के तत्व दूसरा पेपर होगा, भारतीय कला का इतिहास। इन पेपरों ये आपकी समय सारणी है जो आपके सामने है, आप एक बार पूरी समय सारणी देख लें।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है आपके एग्जाम आ चुके हैं और मैं अपने जो एग्रीकल्चर के बच्चों को फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपका पेपर बुधवार और शुक्रवार को है। बुधवार को फसल उत्पादन का है और आपके दोनों ही पेपर 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट में है। तो बुधवार को फसल उत्पादन का पेपर है और उसके बाद गुरुवार को छोड़कर शुक्रवार को आपका फिर पशुपालन का पेपर है, इसलिए सिर्फ एक दिन का गैप रहेगा। इसलिए आप लोग अभी से दोनों सब्जेक्टों की अच्छी ढंग से तैयारी करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग देखें एक दिन का ही गैप है मात्र, तो आप एक दिन के गैप में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से दोनों सब्जेक्टों को आप देखते रहिएगा। आज के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, आप लोग अब देखें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें जिससे उनको भी पता चले कि आपकी एग्जाम कब है और कौन कौन सी तारीख में है। आप सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक।